गाइज यार आज का मौसम तो बहुत ही ज्यादा सुहाना लग रहा है और जिम करने के लिए एकदम परफेक्ट। आज तो एकदम दबा के बॉडी बनाऊंगा मैं। अरे चौप देखो ना, फ्रैंकलिन भैया ने आज वापस से शिमला मिर्च बना दिया और तुम्हें तो पता है ना मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे हाँ यार शिनचैन, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। चौप मुझे तो लगता है आज भूखा ही मरना पड़ेगा। अरे शिनचैन एक काम करते, आज अपन पिज्जा मंगा लेते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं। अरे वाह चौप, क्या आइडिया दिया है तुमने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। शिनचैन यार फटाफट से मंगाओ इससे पहले कि फ्रैंकलिन भैया को पता चल जाए। अरे चौप तुम टेंशन मत लो, जब तक फ्रैंकलिन भैया का जिम होगा अपना तो पिज्जा आ भी जाएगा, और वैसे भी आने के बाद कौन सा वो रिटर्न कर देंगे। हेलो पिज्जा वाले अंकल, मेरे लिए तो चीजी पिज्जा करना। और चौप तुम क्या खाओगे? मुझे पनीर वाला चाहिए, मुझे पनीर वाला चाहिए। और हाँ एक पनीर वाला भी कर देना। और सुनो जब आओगे ना तो बेल मत बजाना, दरवाजे पे ठक ठक करके आना। अरे शिनचैन ये दरवाजे पे ठक ठक कौन कर रहा है? अरे चौप अपना पिज्जा इतना जल्दी कैसे आ गया, हमने तो फोन अभी रखा था। अरे शिनचैन ये सब छोड़ो, जल्दी से लेके आओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। चौप तुम यही रुको, मैं लेके आता हूँ। वाह गाइस क्या बात है, अपना पिज्जा आ गया, आज तो एकदम दबा के खाऊंगा, एकदम चीज से लपालप, एकदम पेट भर जाएगा मेरा तो। सर जी ये रहा आपका पिज्जा, एकदम गर्मा गर्म खाने के लिए रेडी। अरे पिज्जा वाले अंकल इतना जल्दी कैसे आ गए, हमारे दरवाजे के बाहर ही बना रहे थे क्या? सर जी हमारी सर्विस दुनिया में सबसे फास्ट है। सिलेंडर मैन यार, ये फ्रैंकलिन और शिनचैन ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। हाँ यार ताइलैंड है, इन दोनों ने तो अपने को बहुत बुली तले के तमाला मिली, तो हड्डियां अभी तक दुख ली है। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, मैं तुम्हारे भरोसे गया था और मुझे कुत्तों की तरह भाग के आना पड़ा। अरे ये क्या बात हो गई, तुम तो ऐसे बात कर लियो जैसे तुमने बहुत बड़ा तिल मार लिया। तुम्हारी इस गलती की सजा मैं नहीं लेने वाला, जब बॉस आएंगे तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि ये सब तुम्हारी गलती थी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, वैसे भी ताली तो दोनों हाथ पे बजती है। मुझे लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हें नौकरी पे रखवाने वाला मैं ही था, मेरा एहसान है तुम पे। तो क्या नौतली पे लतवाया था तो क्या निकलवा भी दो देते, ये क्या बात हो गई? अरे सिलेंडर मैन मुझे यहाँ आस पास कोई तो काला साया महसूस हो रहा है। अरे हाँ ताइलैंड है, तुम एकदम सही बोल रहे हो, मुझे भी मैथु तोला है। तुम दोनों हमेशा की तरह ऐसे ही लड़ते रहोगे। अरे पहली बार तुम यहाँ पर क्या कर ले? मुझे बॉस ने भेजा है, उन्होंने कहा है अब ये काम तुम्हारे बस का नहीं रहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तुम क्या करोगे? मैं अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास एक प्लान है। फ्रैंकलिन का एक भाई है ट्रैंकलिन, हमें कैसे भी करके उसे किडनैप करना पड़ेगा, वो सेम फ्रैंकलिन जैसा दिखता है। अरे पहले उसका तुम करोगे क्या? मैं उसे फ्रैंकलिन बना के शिनचैन को मारने के लिए भेजूंगा और शिनचैन को पता भी नहीं चलेगा। पर हम असली वाले फ्रैंकलिन का क्या करेंगे? उसकी टेंशन तुम मत लो, वो मुझ पर छोड़ दो, कैसे भी करके ये मिशन कामयाब हो जाए, फिर बॉस तुम दोनों को भी माफ कर देंगे और मैं बॉस का खास बन जाऊंगा। तुम दोनों एक काम करो, यहाँ से जाओ और फ्रैंकलिन को लेके आओ, मैं फ्रैंकलिन को जाके संभालता हूँ। अरे वाह ये प्लान तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ठीक है हम दोनों जाते हैं यहाँ से। अरे ताइलैंड है दी, हम तापला दे। मेरी काली शक्तियों के हिसाब से ट्रैंकलिन यही के आसपास होना चाहिए। मुझे तो लगता है तुम्हारा नेवी देतन थला बो दिया है, मुझे तो यार तो दिता नहीं दे है। तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरे पीछे भी जाओ। अरे ये क्या, ये रहा ट्रैंकलिन, ये तो एकदम कार्बन कॉपी है फ्रैंकलिन की। अरे हाँ ताइलैंड है, ये तो एकदम टेम टू टेम दिखता है। अरे कौन अरे बनता है तुम लोग, और तुम लोग फ्रैंकलिन को कैसे जानते हैं? हम लोग फ्रैंकलिन को नहीं उसके पूरे खानदान को जानते हैं। अरे ताइलैंड है दीदी की तो आवाज भी एकदम टेम टू टेम है। ये मामू लोग, मैं चुपचाप बता रहा हूँ यहाँ से निकल जाओ, अगर मैं बाहर आ गया ना तो बहुत बुरा होगा। क्या बात है, तुमने तो हमारा काम आसान करने की बात कर दी, आ जाओ आ जाओ। तुम दोनों को शायद पता नहीं है मेरे कॉन्टैक्ट बहुत बड़े बड़े माफिया के साथ है, अगर उनको पता चल गया ना तो तुम दोनों को मार देंगे वो लोग। अले ताइलैंड ने दिया कितना भला बेवकूफ है, एक भूत को माफिया की धमकी दे लाए। अबे तोतले अपना मुंह बंद रख, ताइलैंड ने दीदी ने मुझे तोतला बोला, अब मैं तो नहीं तोलूंगा। टेंशन मत लो सिलेंडर मैन, दोनों मिलके इसे मारते हैं। ये ले बहुत बकरा था ना, तू भी फ्रैंकलिन की तरह ही मार खाएगा। अले ताइलैंड है जी हिलती नहीं लाए, मुझे लगता है ये तलबता। ये तुम क्या बोल रहे हो? अले तलबता मतलब मल दिया। अच्छा ऐसा क्या? नहीं ये नहीं मरा, ये बस बेहोश हुआ है। अता ऐसी बात है त्या, चलो फटाफट चलते आते। मैं भी यही बोलने वाला था, चलो चलते है। अले ये त्या पेनी भाई तो अभी तक आया ही नहीं है। वो फ्रैंकलिन को लेने गया है, आता ही होगा। मुझे तो डर लग जाए उसकी भी धुलाई ना तल दियो। पेनी भाई एक जादूगर है, इतना जल्दी मार नहीं खाएगा। टाइम आ चुका है मेरी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके फ्रैंकलिन को उल्लू बनाने का, पर उससे पहले मैं अपना रूप चेंज कर लूं ताकि वो मुझे पहचान ना पाए। अब बस आवाज चेंज करने की देर है, उसके बाद शिनचैन मेरे हाथ से नहीं बचेगा। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ। शिनचैन तेरे को कितनी बार ना बोला इस टेबल पे नहीं चढ़ने का, इस पे खाना रखते अपन। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे बहुत जोरदार भूख लगी थी और नीचे से कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं सीधा ऊपर ही चढ़ गया। और ये पिज्जा किसने लाया इस टाइम पे? अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो मैंने और चौप ने मंगाया है। अबे घर पे खाना बना तो था, तुम लोग के पास ज्यादा पैसे आ गए क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे पास कहां से पैसे आएंगे, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, वो तो टेबल पे पता नहीं किसके पैसे पड़े थे, मैंने उठा लिए। किसके पैसे थे? मतलब मेरे पैसे थे, और जब घर पे खाना बनता तो तुम लोग ये सब क्यों मंगाते हो? अरे फ्रैंकलिन भैया आपने फिर से शिमला मिर्च बना दी, आपको तो पता है ना मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल
बिल्कुल नहीं पसंद। और ये किस बात पे लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे वाह क्या बात है टोनी भैया, आज हमारे घर पे कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ मतलब नहीं आ सकता क्या तुम्हारे घर पे? अरे चिल टोनी चिल यार, वो बच्चा ऐसे ही पूछ रहा था, इतना क्यों भड़क रहा है तू? अरे फ्रैंकलिन भैया देखो ना, ये चॉप भी बहुत ज्यादा भौंक रहा है आज तो। अबे चॉप तेरे को क्या हो गया, पहली बार देखा है क्या टोनी को? हाँ चॉप यार पहली बार देखा है क्या, तू तो मेरे से पहले भी मिला ना। अरे फ्रैंकलिन भैया अपने दोस्त लोग से पूछते हैं, उनको पक्का पता होगा। गाइस यार चॉप बहुत ज्यादा ही भौंक रहा है, अगर आप लोगों को पता है क्यों भौंक रहा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। फ्रैंकलिन वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। अच्छा जरूरी काम है तो फिर बोलो ना। अरे फ्रैंकलिन दरअसल कैप्टन अमेरिका को किसने किडनैप कर लिया है और उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अरे टोनी भैया मैं भी आपके साथ आऊंगा। शिनचैन खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम साथ में नहीं आ सकते, सिर्फ फ्रैंकलिन ही आएगा। हाँ शिनचैन तू एक काम कर, तू चॉप के साथ यही पे रह, मैं जाके आता हूँ। फ्रैंकलिन थोड़ा फटाफट चलोगे? अरे आ रहा हूँ टोनी यार, इतना क्यों भड़क रहा है? गाइस पता नहीं यार आयरन मैन को क्या हो गया आज। गाइस यार ये क्या हो गया, टोनी अचानक से मेरे सामने एक जोकर बन गया। अबे भाई तू है कौन? मेरा नाम पेनीवाइज है और मैं तुम्हारे और शिनचैन की मौत बन के आया हूँ। मेरे और शिनचैन की मौत? भाई तेरे साथ हमने ऐसा किया क्या है? वो तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। गाइस यार ये तो मेरा भाई ट्रैंकलिन है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। पेनीवाइज सही से बताओ तुमने इसके साथ क्या किया है? अभी तक तो कुछ किया नहीं है, पर अगर तुमने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये और तुम दोनों साथ में मारे जाओगे। अरे वाह पेनीवाइज तुमने तो तमाली तल दिया। हाँ पेनीवाइज मुझे लगता है अब बॉस हमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अबे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी मुझे बात समझ में आ रही है गाइज। यहाँ पर क्या होने वाला है तुझे कोई अंदाजा नहीं है? तुम लोग यहाँ पर जो भी कर रहे हो ना, तुम लोग मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अबे यार ये अचानक से मैं इसके अंदर कैसे आ गया? तुम आए नहीं हो, हमने तुम्हें डाला है। अब तू तुपतापित के अंदर खले ले, हम लोग को देखते जा, हम त्या तलते है। अदल तुझे अपनी दान प्याली है तो तुपताप के अंदर खले लेके तमाता दे। तुम दोनों तो किसी दिन मेरे हाथ में आ गए ना तो इस बार भागने नहीं दूंगा, इतनी बुरी तरीके से मारूंगा ना। अले ताइलैंड है पेनीवाइज पैदल वैदल तो नहीं हो गया ना? पता नहीं कैसे कैसे असली डांस कर रहा है ये। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, मेरी ताकतों के सामने सब झुकेंगे, खड़ा हो जा। गाइस यार ये क्या कर रहा है यहाँ पर? जी मालिक बताइए क्या हुकुम है? अब तुम मेरी काली ताकतों के गुलाम हो, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। जी मालिक बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें फ्रैंकलिन के घर पे जाके शिनचैन को मारना होगा। फ्रैंकलिन रुक जा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब ये तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, ये मेरा गुलाम है, ये देखो मेरी ताकत का दूसरा नमूना। गाइस यार ये क्या हो गया, इसके तो कपड़े भी मेरे जैसे हो गए सेम टू सेम। अब मैं तुम्हें जादू से गायब करके उसके घर के बाहर पहुँचा दूंगा। पेनीवाइज तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ, उस बच्चे को मार के क्या मिल जाएगा? सुकून मिलेगा, सुकून। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अगर मेरे हाथ लगे ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। ये देखो हमारी कैद में फिर भी इसकी हेकड़ी गई नहीं अभी तक। तो लो ना त्याई फलत पलता है, वैसे भी तीन तैन के बाद तो ये भी मलने ही वाला है। गाइस यार जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग शिनचैन को मार देंगे। एक काम करते, ये दोनों इडियट्स को आपस में लड़वा देते। ओए सिलेंडर मैन सुन, तेरे को पता है साइरन हेड तेरे बारे में क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि तू एक नंबर का तोतला है और तेरे से कोई लड़की नहीं पटी आज तक। ताइलैंड है तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला? अरे ये तो कुछ नहीं साइरन हेड, तुम्हें पता है सिलेंडर मैन ने तुम्हारे बारे में क्या बोला? क्या बोला? बोलता है साइरन हेड एक नंबर का बेवकूफ और गधा है। सिलेंडर मैन अब तू मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अबे तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा, तूने मेरे बारे में इतनी दंदी दंदी बात थी। अबे बेवकूफ हो, ये तुम दोनों को लड़वा रहा है, एक नंबर के गधे हो तुम दोनों। अले पेनीवाइज तुम तो नहीं पता, ये हमें तो मुझे तोतला तोतला बोलते रहता है, आज मैं तो नहीं तोलूंगा। और पेनीवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। अरे ये क्या हो गया, ये बाहर कैसे आ गया? मैं बाहर कैसे आया ये मत सोच, अब तू कैसे जाएगा यहाँ से ये सोच। ये ले अब तू मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। एक मिनट रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। रुक जा आज तो तेरे को सच्ची में मैं सर्कस पहुँचा देगा, ये ले। अरे रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ, सारा काला जादू पीला जादू निकल गया अंदर से? अरे रुक जाओ, अभी क्या मार ही डालोगे मुझे। जल्दी से जादू करके मुझे अपने घर के बाहर पहुँचा दे, नहीं तो बहुत मारूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। अरे मुझे माफ कर दो, ये लो। गाइस यार फटाफट से चलते, इससे पहले के ट्रैंकलिन शिनचैन के साथ कुछ गलत करे, पता नहीं वो कहाँ पर होगा इस टाइम पे। गाइस यार ये रहा ट्रैंकलिन, रुक जा नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। अब मैं नहीं रुक सकता, मेरे आका ने मुझे हुकुम दिया है। अरे गाइस ये क्या, यहाँ पर तो दो दो फ्रैंकलिन भैया है, इसमें से असली वाले कौन से है? शिनचैन मैं असली वाला हूँ, ये मेरा भाई ट्रैंकलिन है। अरे फ्रैंकलिन भैया इसके बारे में तो आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। शिनचैन अभी इन सबका टाइम नहीं है, इस पे किसी ने तो डार्क मैजिक किया, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे फ्रैंकलिन भैया ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शिनचैन तुझे पता है सुबह जो अपने घर पे आयरन मैन आया था ना, दरअसल वो एक क्लाउन था जो डार्क मैजिक जानता है, तभी चॉप उस पे इतना ज्यादा भौंक रहा था। शिनचैन तू थोड़ा दूर ही खड़ा रहा भाई इससे। अरे गाइस मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक काम करता हूं उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देता हूं, क्या पता झटके की वजह से इसका डार्क मैजिक उतर जाए। ये ले। अबे यार शिनचैन ये क्या किया तूने? अरे फ्रैंकलिन भैया आप टेंशन मत लो, देखो अभी इसका डार्क मैजिक उतर जाएगा। फ्रैंकलिन तू मेरे पे बंदूक तान के क्यों खड़ा है, पागल हो गया क्या? फ्रैंकलिन ये तू ही है ना सच्ची में? अरे हाँ मैं ही चाबी लिखवा के दूं क्या?
गाइस यार इसका तो सच्ची में काला जादू उतर गया। फ्रैंकलिन भैया अभी मुझे पूरी बात बताओ, ये कौन है? शिनचैन ये मेरा जुड़वा भाई ट्रैंकलिन है, पर ये बहुत ज्यादा बदमाश है और इसका कॉन्टेक्ट माफिया के साथ है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहता था। फ्रैंकलिन भैया ऐसा नहीं करते, फैमिली हमेशा साथ में रहती है। शिनचैन यार तू उसको नहीं जानता। फ्रैंकलिन भैया मुझे कुछ नहीं पता, से ट्रैंकलिन भैया भी हमारे साथ ही रहेंगे। शिनचैन यार इतना बड़ा फैसला मैं नहीं ले सकता। अरे फ्रैंकलिन भैया आप नहीं लोगे तो कौन लेगा? शिनचैन एक काम करते, अपने दोस्त लोग से पूछते। गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि ट्रैंकलिन हमारे साथ इसी घर में रहे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।